आप सभी का स्वागत है एसपी 9 न्यूज में। हम अपनी हर रिपोर्ट में आपको मोदी सरकार की योजनाओं की हकीकत से रूबरू कराते हैं कि आखिर उसकी तस्वीर क्या है, क्योंकि सियासत गलियारों में इन्हीं तस्वीरों को लेकर के बड़ी बड़ी उपलब्धि गिनाई जाती है, लेकिन जमीन पर यह हकीकत एकदम परे दिखती है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मुद्रा योजना की। जैसे कि हमने अपनी पहली रिपोर्ट में आपको मुद्रा योजना के तमाम लाभ और हानि के बारे में बता दिया था, लेकिन आज हम आपको बताएं कि आखिर मुद्रा योजना के तहत कितने लोगों को लोन दिया गया है। क्योंकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार अमित शाह ने जो रिपोर्ट पेश की है मोदी सरकार के सामने, उसमें दिखाया गया कि 7,20,00,000 लोगों को स्वरोजगार मिला है। तो ऐसे में सवाल यही है कि अगर 7,20,00,000 लोगों को स्वरोजगार मिल गया है, तो बाकी जो हमारे देश की आबादी है वो बेरोजगारी के स्तर पर क्यों घूम रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये न तंज है और न व्यंग है, न ही स्लोगनबाजी के लिए बनाया गया सियासी व्यंजन है। रोजगार के डेटा को लेकर काम करने वाले बहुत पहले से एक ठोस सिस्टम की मांग करते रहे, जहां रोजगार से संबंधित डेटा का संग्रह होता रहा हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि रोजगार का कोई डेटा ही नहीं है। 4 साल बीत जाने के बाद प्रधानमंत्री को ध्यान आया है कि देश में नौकरियों को लेकर डेटा नहीं है। फिर उन्हें अमित शाह से पूछना चाहिए कि जनाब, आपको डेटा कहां से मिला था कि मुद्रा लोन के कारण 7,28,00,000 स्वरोजगार से जुड़े हैं और 12 जुलाई 2017 को अमित शाह का बयान कई जगह छपा है। अब अगर बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह के मन में कोई खिचड़ी पकाई हो, तो बेहतर है उन्हें प्रधानमंत्री से माफी मांग लेनी चाहिए। साथ ही किसी को उन्हें याद दिलाना चाहिए कि सर, बहुत सारा हम लोगों ने आपस में डेटा बना लिया है, बस जो भी डेटा आप देते हैं ना, उसे लेकर सवाल उठ जाते हैं और इसके अलावा कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सवाल उठने के बाद भी हम चुनाव तो जीत ही जाते हैं। प्रधानमंत्री चाहे तो मुद्रा लोन का डेटा ले सकते हैं, कितना प्रतिशत मुद्रा लोन एनपी हो चुका है और कितने कारगर है। भारत में बेरोजगारी भयंकर स्तर पर है। नोटबंदी और जीएसटी के बाद हालात खराब होती चली गई है। रोजगार देने वाले दो प्रमुख शहर सूरत और त्रिशूर की हालात आप जाकर देख लें। इस तरह की समस्या मध्य प्रदेश के शिक्षा मित्रों की है, वहाँ अलग नाम से बुलाया जाता है, मगर वहाँ 2,00,000 से अधिक शिक्षकों को रेगुलर करने के लिए कैबिनेट ने फैसला लिया है। वही एक ही पार्टी की सरकार हर जगह है, और एक जगह फैसला कुछ और एक जगह फैसला कुछ है। कायदे से मोदी और मोदी सरकार को मिलकर इस पर 10 दिनों के भीतर फैसला कर लेना चाहिए और सभी 1,78,000 शिक्षा मित्रों की नौकरी पक्की हो जानी चाहिए। या फिर ये दिखाएं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहां लिखा है कि इनकी सैलरी 40,000 से घटाकर 10,000 कर दीजिए। योगी जी ने ऐसा क्यों किया? इसलिए प्रधानमंत्री का ये कहना है कि नौकरी को लेकर डेटा नहीं है, सही नहीं है। वो चाहेंगे तो डेटा मिल जाएगा, वो नहीं चाहेंगे क्योंकि उसमें उनकी नौकरी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए वो सभी से ही डेटा ना होने की बात कहकर नौकरियों को लेकर होने वाली हर बहस को संदिग्ध बना देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन पाने वाले कई लाभार्थियों से बात करने के बाद ये पता चला है कि इस योजना के तहत लोन पाना इतना आसान नहीं है जितना कि कागज पर दिखता है। और इतना ही नहीं, कई जगहों पर भ्रष्टाचार भी हो रहा है। प्रधानमंत्री को इस बात पर गौर करना होगा कि जो योजना घोषित की है वो सही में लोगों तक पहुंचे और उसका फायदा लोगों को मिले, लेकिन ऐसा जमीनी हकीकत पर बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दें, लाख वादे करने के बाद, बड़े बड़े विज्ञापनों को छपवाने के बाद मोदी सरकार ने हर जगह इस नाम की डुगडुगी बजा रखी है कि उनके हर योजना का जो लाभ है वो लोगों तक पहुंच रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर बिल्कुल वो हकीकत एकदम पर है। लोगों तक वो बिल्कुल भी योजना नहीं पहुँच रही। तो ऐसे में सवाल यही है कि जो योजना कागजों पर दिखाई जा रही है, क्या वाकई वो कागजों तक ही सिमट रह जाएगी? क्या वाकई जो कागजों पर लिखा है उसी के आधार पर साल 2019 में दोबारा में मोदी सरकार सत्ता में आती है? तो ऐसे में हम यही कहना चाहेंगे कि ये ना तंज है, ना ही व्यंग है, और ना ही ऐसा कोई व्यंजन है जिससे सियासत पे सवाल उठाया जाए। जी हाँ, अगर सियासत करनी है तो उन योजनाओं को कागज तक सिमटा कर मत रखो, उन योजनाओं को जमीनी स्तर से काम करके दिखाओ, लोगों तक पहुंचाओ, ताकि एक बार नहीं बार बार आपकी ही सरकार है। जी हाँ, मोदी सरकार पे ही तंज कस रही, क्योंकि फिलहाल इन्होंने आसमानी वादे दिखाए थे। तो सवाल यही है कि जो आसमानी वादे दिखाए थे, जो ख्वाब दिखाए थे, क्या वो ख्वाब ख्वाब ही रह जाएंगे? बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए एसपी 9 न्यूज। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। स्टार्ट योर करियर विद अस।